बीजेपी के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं इस टाइम पे। हमारे लीडर्स भी जाके दूसरी स्टेटों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे किसान इस टाइम पे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे किसानों की सुनवाई नहीं की है। सो बीजेपी तो ऑलमोस्ट क्या फिनिश है पंजाब में। रीज़न यही है कि कल जो असी देखिया कि बीजेपी के लीडर्स के नाल जो होया है साढ़े पंजाब दे विच और जो MLAs दे नाल वर्ताव किया गया और बीजेपी के जितने भी MLAs हैं, जितने भी MPs हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। और इनफैक्ट बीजेपी क्या, कोई भी पार्टी का मेंबर जिसने अभी तक गवर्नमेंट से इस्तीफा नहीं दिया, गवर्नमेंट लोगों के हक में और किसानी झंडे के नीचे आके नहीं बैठा, उन सब लोगों के साथ इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए। सत श्री अकाल जी, आज फिर असी लाइव आए हाँ। लाइव ऑन दे पिछे एक बहुत ही वधिया रीज़न आ और रीज़न यही है कि कल जो असी देखिया कि बीजेपी के लीडर्स के नाल जो होया है साढ़े पंजाब दे विच और जो MLAs दे नाल वर्ताव किया गया, उस बारे अज आप गल करांगे। सो बेसिकली मैं इस करके लाइव आके आ गल करना चाहनी हाँ थोड़े सारे दे नाल। और कल मैनु बहुत सारे कमेंट्स यही भी आए थे कि तुसी हिंदी दे विच गल करो। सो आज मैं हिंदी में बात करूँगी आप सब लोगों के साथ, हिंदी मिक्स पंजाबी, बिकॉज हिंदी में काफ़ी लोग समझ सकते हैं। सो अगर आप लोग बीजेपी के लोगों को पंजाब में से बायकॉट कर रहे हो, जैसे कि हम बीजेपी के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं इस टाइम पे, हमारे लीडर्स भी जाके दूसरी स्टेटों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे किसान इस टाइम पे बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं और बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे किसानों की सुनवाई नहीं की है। सो बीजेपी तो ऑलमोस्ट क्या फिनिश है पंजाब में और बीजेपी के जितने भी MLAs हैं, जितने भी MPs हैं जिन्होंने अभी तक बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया, उनके साथ इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। और इनफैक्ट बीजेपी क्या, कोई भी पार्टी का मेंबर जिसने अभी तक गवर्नमेंट से इस्तीफा नहीं दिया, गवर्नमेंट लोगों के हक में और किसानी झंडे के नीचे आके नहीं बैठा, उन सब लोगों के साथ इसी तरीके का बर्ताव होना चाहिए। सो ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आज मैं आम पब्लिक जो मेरे साथ बैठी है, मैं उनसे आपको पॉइंट ऑफ व्यू उनका सुन के आप जान जाएंगे कि उनका भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अभी तक उन लोगों के लिए जो बाकी पार्टियां भी अभी तक हैं, क्योंकि बाकी पार्टियों के राज में भी हमने वो सुख नहीं देखा अभी तक, क्योंकि जितनी भी आई हैं उन्होंने भी हमें काले दिन ही दिखाए हैं, कोई अच्छे दिन नहीं दिखाए हैं। ना ही स्वामीनाथन रिपोर्ट जो हमारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी थी वो अभी तक लागू नहीं की गई, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो। तो राइट नाउ हमें उन सारी गवर्नमेंट्स का, उन सब लोगों का बायकॉट किस तरीके से करना चाहिए। हमारी अभी 2022 की इलेक्शंस आ रही हैं तो उसमें लोगों को बहुत सोच समझ कर वोट डालनी चाहिए, उन लोगों को जो लोग, मैं ये नहीं बोलती, मुझे कल बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैडम आप बात कर रहे हो कॉमरेड्स की, मैं किसी कॉमरेड की बात नहीं कर रही, मैं आपको बोल रही हूँ आपके इलाके में कोई भी ईमानदार इंसान हो जो आपको लगता है कि जो केपेबल इनफ है आप लोगों के लिए काम करने के लिए, जिस पे आप लोगों को पूरा विश्वास है, उसको किसान के झंडे के नीचे इलेक्शन लड़वा दो ताकि आपके आपके एरिया में कुछ चेंज आए। पंजाब में, फुल पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह पे चेंज आना चाहिए, ऑल ओवर इंडिया चेंज आना चाहिए। अभी सबसे पहली इलेक्शंस तो 22 की पंजाब में है, तो पंजाब में सबसे पहले ये परिवर्तन आना चाहिए कि हर एक इलाके में, पूरे गांव में से सभी की कमेटीज बननी चाहिए और एक ये सभी, मुझे पता है सारे जितने भी सरपंच हैं कोई ना कोई पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, बट राइट नाउ हमें वो पार्टीज का बायकॉट करना चाहिए। अभी तक उनसे हमें कुछ नहीं हासिल हुआ है, ये आम लोगों की बात है, आम लोगों को आके बात करनी चाहिए। ये देखिए, जैसे हमने किसानी आंदोलन एक छोटे लेवल पे शुरू किया था, तो आज हमारा किसानी आंदोलन कितने बड़े लेवल पे दिल्ली बैठा हुआ है, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो यही परिवर्तन हम खुद लेके आ सकते हैं अपने लोगों में बात करके। सो आप लोगों से यही बेनती है कि आप अपने गांव में अपने सरपंच के पास जाएं और बोलें कि इस बार हम इलाके में सबसे ईमानदार और ऑनेस्ट बंदा, मुझे लगता है हर एक इलाके के लोगों को पता होता है जरूर कि उनके इलाके में सबसे अच्छा इंसान कौन है, जिसने जिंदगी में कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की और ना फिर पैसे नहीं खाए हैं, और जो लगता है आपको कि वो इंसान लड़ेगा तो आपके लिए सोसाइटी में कुछ करेगा।
तो मैं चाहती हूँ कि आप, मैं नहीं, लोग चाहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा और मैं जिनसे आपकी बात भी कराऊंगी, जो लोग चाहते हैं कि इस बार आप एक नई क्रांति लेके आए, जो कि आप किसानी झंडे के नीचे अपने इलाके में से कोई भी बंदा खड़ा करें, कैंडिडेट खड़ा करें और उसे वोट डालें। सो यही हम सब लोग चाहते हैं। सो मेरे साथ हैं मनी, इनसे पूछिए। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, पास में कीजिए। आपां कहणा चाहुंदे आं, आपां नूं सब तो पहला अपनी वोट की कीमत जाननी चाहिए, अपनी वोट की कीमत की आ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਿਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਰੁਪਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA MP, ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਹ ਅੱਗੇ 22 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਬਾਹਰ ਬੈਨਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਥੱਲੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਨਕੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਸੇ BJP ਲੀਡਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਜੈਸੇ ਸਭ ਸਭੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੈਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ? ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ, ਬੱਜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਰਨਾਲਾ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਉਧਰ ਵੋਟ ਡਾਲਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਮੈਂ MLA ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਵ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਰੇਡ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।